What is up guys, welcome back, मैं हूं आपका favorite YouTuber। लगता है ये पागल हो गया। तो guys यार आज मंडे और नया पोकेमोन आने का दिन है और नया पोकेमोन तो भाई आ ही चुका है। और चलो यहां पे गैच चेपोन से शुरुआत कर लेते हैं। देखते हैं यहां पे सोल कैल्यू आया है, तो भाई ये तो बहुत ही अच्छा पोकेमोन है, आप इसके लिए स्पिन तो कर ही सकते हो, बहुत ही खतरनाक है। और मुझे मिला है यहाँ पे लो क्लास प्लेट, भाई कभी तो मीडियम हाई दे दे भाई, हाई ना हो मीडियम तो दे दे। और यहाँ पे क्या आ जाए देख लेते हैं, आप इनबॉक्स में वही डायमंड्स वगैरह डेली रिवॉर्ड्स तो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से जल्दी। 230 डायमंड्स इस वीक ज़्यादा मिल गया, बहुत बढ़िया। और बाहर और कुछ लकी टन ट्रेवल, भाई यहाँ पे क्या आ चुका है, अच्छा भाई प्लेयर्स आ चुका है देखो हाई क्लास वाले। लेकिन भाई ये दिक्कत तो यही है कि डायमंड्स भाई बहुत ज़्यादा है। अगर ये भाई 99 डायमंड्स एंड मैक्सिमम 999 डायमंड्स मतलब 1000 ही होता स्पिन का, तो मैं ज़रूर कहता था कि हर कोई स्पिन को, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा है। मुझे पता है प्लेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसका भाई 15000 डायमंड भाई थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया, तो मैं तो कहूँगा ये बहुत ज़्यादा ही है। और यहाँ पे कुछ नहीं है, टास्क एक्सपर्ट भाई फिर बहुत दिनों के बाद आ चुका है, 2 हफ्ते के बाद टास्क एक्सपर्ट आ चुका है फिर से मेरे भाई। और यहाँ पे आ चुका है 5, अच्छा वही सेम आप सब जानते हो, मैं हर बात तो एक ही टास्क करने के लिए कहता हूँ, सिर्फ 5 मिनट है पकवान पकड़ो, वो भी 50 इंडिविजुअल वैल्यू के ऊपर, तो आपको 5 दिन तक लगातार मतलब मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको 1 रिकवरी टिकट 5 रिकवरी टिकट मिल जाएगा, ठीक है हर दिन एक। और गाइस अब थोड़ा बारिश हो रहा है तो फिर थोड़ा एडजस्ट कर लेना साउंड को, मुझे बताया बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा होगा। तो चलो देखते हैं पॉपुलर इवेंट की तरफ, तो नीचे कुछ नहीं है यहाँ पे सिर्फ विश एक्सचेंज है। और गाइस यहाँ पे आ चुका है हमारा बीस्ट पोकेमोन स्टार म्यूटो, यार सब जानते हो भाई मैंने प्रीव्यू कर दिया था कितना ही खतरनाक पोकेमोन है। कल अगर आपकी टीम के लिए ना आइस और फायरिंग टाइप फ्लाइंग टाइप पोकेमोन जरूरी हो तो फिर एकदम आँख बंद करके भाई इसको ले लो, क्या ही बीस्ट पोकेमोन है मेरे भाई, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ऑसम है, क्योंकि इसका स्पीड देखो 150 फिजिकल अटैक, 200 एचपी, 130 भाई क्या चाहिए भाई। एक पोकेमोन होता है यह यही होता है परफेक्ट पोकेमोन, ठीक है कहीं पे भी कमी नहीं है। और चलिए हम एबिलिटी देख लेते हैं क्या है, लाइट एंड डार्क स्टार्स, भाई खतरनाक लग रहा है। तो गाइस और एबिलिटी ना बहुत ही तगड़ा है, ऐसा एबिलिटी मैं पहली बार देख रहा हूँ, पहले तो देखिए 20% हमारा जो फ्लाइंग और जो कि आइस टाइप ही इसका पावर तो इंक्रीज करेगा, ठीक है यही तो ये तो नॉर्मल है। और हर एक राउंड के हिसाब से एक राउंड जब भी खत्म होगा तो फिर हमारा जो फिजिकल एटीट्यूड है मतलब सोच लो पूरा बॉडी का पावर ही वो 10% से इंक्रीज होता रहेगा, वो भी 5 राउंड, मतलब 50% हो गया। और 50% इंक्रीज होने के बाद अगर हम लोग पोकेमोन चेंज करें तो अगर उसके बाद फिर से स्टार म्यूटल जाए तो फिर वो 50% एटीट्यूड खत्म नहीं होगा, 0 नहीं हो जाएगा, फिर से रिसेट नहीं होगा, वो 50% ही रहेगा भाई। ये तो बहुत ही तगड़ा है पोकेमोन भाई, स्विच करने से भी हमारा एबिलिटी खत्म नहीं होगा, क्या ही पोकेमोन है मेरे भाई, बहुत ही बीस्ट है भाई। और क्या बताना था भाई, कुछ नहीं था। चलो यहाँ पे गियर देख लेते हैं, तो पावर ऑफ चलिए पहले तो भाई 30% इंक्रीज करेगा हमारे फ्लाइंग और आइस टाइप मूव को। और नेक्स्ट देखते हैं, और अगर गियर कैरी करते हैं हमारा स्टार म्यूटो तो फिर 50% कम हो जाएगा रॉक टाइप, हर एक रॉक टाइप मूव का डैमेज एंड हर एक उस अटैक का डैमेज, तो हमारे पोकेमोन स्टार म्यूटो को स्पेशल इफेक्ट देता है, उस अटैक का डैमेज 25% से कम हो जाएगा, तो ये भी गियर भाई अच्छा खासा गियर है। और लेकिन भाई प्राइस अभी जो है ना पोकेमोन 160, चलो पहली बार आया है चलो मैं ठीक है मान लेता हूँ, ठीक है बहुत बढ़िया। और इवोल्यूशन भाई 150 भाई ये तो भाई थोड़ा ज़्यादा ही हो गया भाई, आप सब जानते हो मैं कहता हूँ कि 120 मैक्सिमम इवोल्यूशन स्टोन का प्राइस होना चाहिए, गियर भाई 100 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, लेकिन पहली बार आया तो थोड़ा ज़्यादा ही होगा। चलो नेक्स्ट देखते भाई मूव के बारे में देख लेते, कितने मूव आए हैं, 2 मूव आए हैं, चलो देख लेते तो क्या पहला है मेटोर फॉलिंग। तो कैसे सर यहाँ पे जो लेथल डैमेज क्या है ये तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लग रहा है जो स्पेशल इफेक्टिव डैमेज होगा ना अगर ओपोनेंट कोई स्पेशल इफेक्टिव मतलब मूव यूज़ करे हमारे ऊपर तो उसका डैमेज शायद 40% के लिए घट जाएगा 5 डैमेज, यही होगा शायद लग तो रहा है। और चलो नेक्स्ट मूव देख रहे थे यहाँ पे कॉमेट क्रस, और ये आइस टाइम मूव है, तो पहले तो गाइस प्रायोरिटी +1 अटैक होगा कंफर्म है। और भाई एक और चीज़ है, जब हम अटैक सेकेंड बार करेंगे मतलब सेकेंड बार जब होगा अटैक तो दोबारा होने वाला है, तो सेकेंड बार जब होने वाला है तब ये अगर अटैक एटीट्यूड हमारा 0% में रहा ना तो सेकेंड बार में भाई 30% इंक्रीज करेगा अटैक एटीट्यूड का, तो भाई अटैक एटीट्यूड बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, वैसे तो हमारा एबिलिटी पे बढ़ ही जाएगा। तो भाई क्या ही भाई मूव है, दोनों मूव ही खतरनाक है, तो वो जरूर ले सकते हो। और कोई हीलिंग वाला मूव है क्या यहाँ पे, अरे भाई और भी दोनों मूव है, तो चलो यहाँ पे भी देख लेते इस दोनों का कहाँ चले गया,
और कूल आइस क्रिस्टल, चलो ये भी देख लेते हैं क्या है। ये अटैक यूज करने के बाद स्टार स्टेट नाप का एबिलिटी हमारे ऊपर आ जाएगा, मतलब स्टेज आ जाएगा सॉरी, और उससे क्या होगा हमारा पावर डैमेज के पावर 20% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी मूव है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। और वी आई टी रिकवर, भाई ये तो वही हीलिंग वाला मूव है ना भाई, हर एक पोकेमॉन के लिए जो जाता है एनर्जी ब्रेकआउट। भाई अभी तो क्या होगा, अगर पोकेमॉन ले रहे हो ना तो फिर सबसे पहले ये वाला मूव जरूर लेना भाई, ये मूव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में बाकी तीनों मूव ले सकते हो, लेकिन ये मूव सबसे पहले तो यही लेना, बहुत ही बीस्ट वाला मूव होता है। और चलो देख भी लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। पहले तो अटैक का पावर 5% इंक्रीज करेगा, फिर हमारा एचपी 30% इंक्रीज करेगा, और अटैक का एटीट्यूड लेवल 1 से इंक्रीज करेगा और 2 राउंड्स के लिए। ठीक है, तो भाई क्या ही मूव, में हर बार कहता हूँ इस तरह का मूव तो पहले लिया करो और बाद में बाकी तरह के बाकी मूव डालते ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पे बाद में यहाँ पे है क्लब कंट्रीब्यूशन है जो कि कितना बड़ा हिस्सा, अच्छा 5 में मिल रहा है, 5000 मिल रहा है, बहुत बढ़िया। और फिर से आ चुका है 4B2 का प्राइस, भाई शायद कम कर दिया है, मुझे ये याद नहीं, शायद 80 हुआ करता था और यहाँ पे कम भी होता था, लेकिन ऑरेंज उन्होंने का भी कम कर दिया क्या, ऑरेंज भाई 70, ऑरेंज भी तो 80 हुआ करता था ना, 80 या 100 70 था, ये वाली मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। पहले कोई ना देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, OPA मीन, तो नंबर 2 नंबर 1, अच्छा नीचे होगा शायद, हाँ नंबर 1 नीचे, तो OP में रून आ चुका है गाइस 1 से लेकर 6 पोजीशन तक। और अगर आप लोग जानना चाहते हो OP में रून का काम क्या है, तो मैं इस वीडियो में तो नहीं बताने वाला हर एक डिटेल्स में, तो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैंने हैशटैग ट्रेनर टोली सीरीज में जो रून वाला वीडियो बनाया था ना, आप लोग मेरे प्ले स्टोर चले जाओगे आपको देखने को मिल जाएगा हैशटैग ट्रेनर टोली सीरीज, उसमें जाकर रून जो वीडियो है उसमें जाकर देख लो, तो हर एक रून के बारे में डिटेल से बताया हर एक रून का काम क्या है, वहाँ पे OPA रून भी होगा, आप जाके वहाँ पे देख लो OPA रून का काम क्या है, आपकी कौन से पोकेमॉन के लिए OPA रून बेस्ट है, कौन से उनको देना चाहिए कौन से रून देना नहीं है, सब कुछ जिसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट जो इवेंट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे सब टॉपर के ऊपर बेस्ट है, कुछ नहीं है, घंटा कुछ नहीं है, चलो फेस्टिवल इवेंट की तरह बढ़ते हैं। फेस्टिवल एक्सचेंज, ये भाई फिर से 5, भाई क्यों 5 क्यों देते भाई ये लोग, क्या बकवास है भाई और क्या कहूँ। और तो यहाँ पे आ चुका है विक्ट्री, बहुत बढ़िया विक्ट्री, जिसको परसेंटेज ले सकते हो फ्रूट साथ, डियान साइड भी आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो नीचे डिटो 3B2 नहीं है भाई, 6B4B2 है और 4B2 नहीं है, क्या बकवास है, चलो बहुत बढ़िया। नीचे देखते थे नेक्स्ट शॉर्ट में कंज्यूसन फिर से आ चुका है, यही वाला इवेंट आप सब जानती हो, मैं और भाई इस बार देखो भाई 10,000 तक दिया है, बस ही 20 की भाई कौन कंज्यूसन करेगा भाई, बेवकूफ़ी का जो कंज्यूसन करेगा, मैक्सिमम 5K तक करना, उस 5K ही टारगेट रखना, मैं ही वही करता हूँ, और 10K कभी कभी तो हो जाता है मुझसे गलती से। चलो कोई ना, भाई नेक्स्ट देखते हैं पूना 7 की तरफ। तो इस बार क्या आ चुका है, वही एक्सचेंज वाला इवेंट, वही सेम बकवास पोकेमॉन, ये सब आपको काफ़ी ना कभी फ्री में मिली जाएंगे, तो यहाँ पे अपना उसी ने भाउचर बिल्कुल बदबाद मत करना। और लेडी पिकाचू, भाई क्या ही मजाक है भाई पिकाचू को लेके, तो ठीक है भाई मैं नहीं देखता, अभी नेक्स्ट देखता हूँ यहाँ पे, अच्छा वही है विशेष भाउचर। तो गाइस आज की तरफ से इतना ही था, आई होप सबको वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ गाइस, हमारे चैनल में चल रहा है VIP 1 का किया, अभी अगर आपने अभी जगह पार्टिसिपेट नहीं किया तो अभी जगह पार्टिसिपेट लो मेरे भाई। और हाँ, मैंने एक RCS का भी एवोल्यूशन वाला वीडियो बनाया है, और ये मैंने खुद बनाया है, ठीक है। तो मैंने कल एक वीडियो डाला था Gear 10 एवोल्यूशन, वो कॉपीड था इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। और आज का वीडियो भाई जरूर देखना, तो आज का वीडियो इतना ही था, आई होप सबको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आए तो एक लाइक जरूर रखना। और गाइस चैनल से पहले जिस किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइबर लेकर बटन की तरफ देखा नहीं, छू नहीं, ऐसा मत क्या करो मेरे भाई, उसको देख के छू के रेट से ग्रे कर देता, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस।